वहीं विधायक प्रतिनिधि की दबंगई से पीड़ित सीमा गोयल ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। बता दें कि दंतेवाड़ा कलेक्टर को इच्छा मृत्यु हेतु आवेदन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दफ्तरों के चक्कर काटते वे थक चुकी हैं। दिव्यांग बच्चे और दूसरे बच्चों को पालना कठिन हो रहा है, इसीलिए अब मुझे मृत्यु चाहिए। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के किरंदुल शहर में स्थित सीमा गोयल के मकान पर पिछले 1.5 साल से विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता ने कब्जा कर रखा है। मकान वापस दिलाने विधवा ने किरंदुल नगर पालिका कार्यालय व SDM बचेली साथ ही दंतेवाड़ा जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, बावजूद इसके आज तक इन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाया। पीड़िता ने इच्छा मृत्यु के आवेदन के बाद अब यह मामला नया मोड़ लेते दिखाई दे रहा है। मेरे मकान पे अवैध कब्जा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। किसने कब्जा किया और कब से किया? मेरे मकान पे लगभग 1.5 साल हो गया जितेंद्र द्वारा कब्जा किया गया है, जो कि किरंदुल के विधायक प्रतिनिधि हैं। तो आज आप क्या मांग कर रहे हैं कलेक्टर सर से? इच्छा मृत्यु की। क्या वजह इच्छा मृत्यु मांगने की? क्योंकि मैं 1.5 साल से सब जगह घूम के थकली, मैं तो वैसे भी मानसिक तौर से और शरीर की तरफ से भी थक गई हूँ घूम घूम के। मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनका जिम्मेवार कोई नहीं है कि ऊपर से मेरे को कोई उनको पढ़ाना भी है, बच्चा बड़ा बच्चा मेरा विकलांग है, छोटा बच्चा को मेरे को पढ़ाना भी है, मेरे पास आय का कोई भी साधन नहीं है। मेरे मकान